नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शांतिला मित्तल है, एमबीबीएस इन डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डैंड्रफ, यानी सर में रूसी। आज हम बात करेंगे कि डैंड्रफ या सर में रूसी क्यों होता है, इसके क्या कारण है और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डैंड्रफ क्या है। डैंड्रफ में सर की सतह पर चमड़ी सूखी हो पड़ जाती है और पपड़ी की तरह या सफेद पाउडर की तरह झड़ने लगती है। इसमें सर में खुजली हो सकती है या कभी कभी सर की चमड़ी लाल भी पड़ सकती है। डैंड्रफ सर के अलावा बाकी बॉडी साइट्स जहां पर स्किन ऑयली हो या बहुत ज्यादा हेयर हो वहां भी हो सकती है, जैसे कि हमारी आईब्रोज यानी बोहू के ऊपर, नाक के साइड में, कान के पीछे, चेस्ट पे और बैक पे। अब हम बात करते हैं कि डैंड्रफ क्यों होता है और किन कारणों से बढ़ता है। डैंड्रफ यानी कि रूसी एक फंगस जिसे हम मालसीडिया फरफर कहते हैं, वो हमारी बॉडी पे नॉर्मली भी होता है, पर कुछ कारणों से अगर वो बढ़ जाता है तो उससे डैंड्रफ होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये फंगस या फिर डैंड्रफ बढ़ सकता है। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से सर धोने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा सर में तेल लगाना या बहुत ऑयलिंग करने की वजह से डैंड्रफ हो सकता है। समय समय पर सर नहीं धोना, बहुत ज्यादा गैप रखना और सर गंदा रहना, इस वजह से भी आपके सर में डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा चेंजिंग वेदर, स्पेशली विंटर्स में हमारे सर की चमड़ी सूखी पड़ जाती है जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ सकता है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि कुछ लोग जिनकी कुछ इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयां चल रही होती हैं या उन्हें कुछ कम इम्यूनिटी वाली बीमारी होती है, वो भी हमारे सर में डैंड्रफ बढ़ा सकती है। स्ट्रेस, कुछ दवाइयां डैंड्रफ इंक्रीज करने का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे भी डैंड्रफ बढ़ सकता है। जेनेटिकली अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा हो। जिंक और विटामिन बी डेफिशिएंसी भी डैंड्रफ को इंक्रीज कर सकती है। अब हम बात करते हैं क्या होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप अपने डैंड्रफ को कम रख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सर को साफ रखें, उसको कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन धोएं और सर में तेल लगा के ना रखें। अगर आप तेल लगाना चाहते भी हैं तो नहाने के आधा घंटा या 15 मिनट पहले ही लगाएं और ओवरनाइट तेल लगा के ना छोड़ें। काफी लोग डैंड्रफ कम करने के लिए सर में नींबू लगाते हैं या एप्पल साइडर विनेगर लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आपको इन चीजों से रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए इन्हें ध्यान से ही इस्तेमाल करें या अवॉइड करें तो वो बेटर है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि आप डैंड्रफ के लिए क्या इलाज कर सकते हैं ताकि आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहे। सबसे पहले बात करते हैं शैम्पूज की। बहुत तरह के शैम्पूज अवेलेबल हैं जो अलग अलग तरह से काम करके आपके डैंड्रफ को ठीक करने में मदद करते हैं। एक तो वो एंटी फंगल का काम करते हैं ताकि वो जो फंगस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सके। उसके अलावा सर से डेड स्किन और ऑयल और फ्लेक्स को हटाने में मदद करते हैं और हमारे सर से जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है और सर में जो चिपचिपापन है उसको कम करते हैं। इन शैम्पूज में ज्यादातर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, क्लिम्बाजोल, जिंक पैराथॉन, सिलेनियम सल्फाइड, कोलतार, सैलिसिलिक एसिड। ये अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं जो अलग अलग पाथवे पे काम करके डैंड्रफ को कम करने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि इन सभी शैम्पूज को जब आप सर में लगाएं तो अच्छे से बालों की जड़ों में 5 मिनट के लिए कम से कम लगाएं ताकि वो रूट्स के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर सके और डैंड्रफ को कम करने में मदद करे, और उसके बाद आप अपने सर को धो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए अपना कंडीशनर यूज करना तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इन शैम्पूज के अलावा कुछ लोशंस एंड मेडिसिंस भी अवेलेबल हैं जो डिपेंडिंग ऑन कि आपके डैंड्रफ का क्या कारण है उस कारण पे काम करके आपके डैंड्रफ को कम करने में मदद करती हैं। और कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे कि स्कैल्प पील्स भी अवेलेबल हैं। अगर हमें क्विकली आपके डैंड्रफ से सर से पपड़ी हटानी हो और डैंड्रफ को कम करना हो तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो लगता है डैंड्रफ जैसी पर वो डैंड्रफ होती नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके सर से सफेद पपड़ी झड़ रही है, पर जरूरी नहीं कि वो डैंड्रफ हो। हो सकता है कि वो सर की फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवॉर्म हो या फिर सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो, जिसमें बहुत ज्यादा रेड इची पपड़ी आ जाती है जो सब जगह से झड़ने लगती है, या फिर हो सकता है वो सर का सोरियासिस हो
जिसमें सर में मोटी मोटी पपड़ी आ जाती है, सर एकदम लाल हो जाता है और वो पपड़ी झड़ने लगती है। तो अगर आपको डाउट हो कि आपको डैंड्रफ है या नहीं, तो जरूरी है कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट की मदद लें ताकि वो आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताए, क्योंकि इन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट डैंड्रफ के ट्रीटमेंट से अलग है। मैं इनमें कहना चाहूंगी कि डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना ईजी है, बस जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के टच में आए ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके कि हमें आपके डैंड्रफ को कैसे ठीक करना है। और अगर डैंड्रफ के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, या अगर आपके सर में बहुत ज्यादा खुजली हो, बहुत ज्यादा लाली हो और ड्राइनेस हो, तो जरूरी है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करें ताकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर इसके अलावा भी आपके कोई और सवाल हो तो आप हमारे नीचे गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।